शांति। आज की तारीख है 10/11/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को विषयी विकारी मन और बुद्धि को वश करने का मंत्र सिखाया है, जिस मंत्र को याद करने से मन और बुद्धि एकाग्र हो करके और हमारे ऑर्डर में चलते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है, ये तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। बाबा कहते हैं ये आप लोगों की जिम्मेवारी। क्यों बाबा ने ये जिम्मेवारी दी? क्योंकि प्रभु को याद करने भक्त भी बैठते हैं या चाहते हैं कि हम प्रभु की याद में रहें, तो उनको ये मन एकाग्र नहीं होता है। तो उनका मन एकाग्र न होने के कारण बाबा कहते हैं आपकी ये जिम्मेवारी है कि आपको बाप ने वशीकरण मंत्र दिया है जिससे आप मन को एकाग्र रख सकते हो, तो आप उनको भी ये वशीकरण मंत्र दें। प्रश्न है आज का, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? उत्तर है, बहुत अच्छी बात बाबा ने गुह्यराज की बात बताई है, आप ध्यान से सुने। बाबा कहते हैं जिन्हें अहंकार है कि मैं इतना देता हूँ, हाँ फिर वो धन दे, कपड़ा दे, बर्तन दे या कोई भी पदार्थ दे, चाहे अनाज के रूप में दे, पेय पदार्थ के रूप में दे या खाद्य पदार्थ के रूप में दे, अगर ये अंदर में आया कि मैं इतना देता हूँ, मैं इतनी मदद करता हूँ, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते ये मैंपन जिसके अंदर आया, बाबा उनका स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते हैं मेरे हाथ में चाबी है। कौन सी चाबी? चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे तो मैं किसी को शाहूकार बनाऊं। ये भी ड्रामा में राज है। नेचुरली जिसका स्वीकार करेंगे वो भविष्य में शाहूकार बनेंगे, जिनका स्वीकार नहीं किया जाएगा वो गरीब प्रजा में चले जाएंगे। तो जिन्हें आज अपनी शाहूकारी का घमंड है वह कल गरीब बन जाते हैं, और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर साहूकार बन जाते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर एक है ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है, जो सुना है उसे उगारना है, अंतर्मुखी होकर देखना है कि बाप से ऐसी दिल लगी हुई है जो वो कभी भी भूले ही नहीं। हाँ, जो बाबा को ये पूछना न पड़े, बाबा से ही ये न कहना पड़े कि बाबा आपकी याद तो भूल जाती है। नंबर दो, कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट न कर याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। अंत समय में एक बाप की याद के सिवाय और कोई भी विचार न आए, ये अभ्यास अभी से करना है। जब अभी से करेंगे तब अंतिम घड़ी हमारी बाबा की याद में सफल होगी। वरदान है आज का, बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। वह मास्टर स्नेह के सागर होते हैं
उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है, इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ न जाए। जो भी आवे हमारे पास उसको हमारे से स्नेह अवश्य मिले। बाबा कहते कोई भी खाली हाथ न जाए, स्नेह लेकर के जाए। स्लोगन है आज का, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो क्या करना पड़े। बाबा कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह मिल जाएगी, तो निश्चय बुद्धि होकर अपनी चाहना को पकड़ते हुए पुरुषार्थ में लगे रहना है, तो चाह है तो राह मिल ही जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।